kids, we have this word problem. 5 years ago, a mother was 7 times old as her daughter. Means, again, we have to consider the condition of past, present and future. 5 years ago, a mother was 7 times as old as her daughter. So, I am writing here past, present and future. Here the daughter and mother. Past means 5 years ago हम लोग ले रहे हैं, past का ले रहे हैं. Mother was 7 times old as her daughter. So if the age of daughter was X, तो mother की age कितनी हो गई? 7 times हो गई. 7 times as old as her daughter. ठीक है, तो ये 5 साल पहले, past हम कितना ले रहे हैं? 5 years का, 5 years पहले ले रहे हैं. तो अब present मतलब 5 साल बाद daughter की age कितनी हो जाएगी? X plus 5, और mother की age कितनी हो जाएगी? X plus 5, दोनों की एज बढ़ जाएगी. ठीक है, देन 5 years hence she will be. तो ये हमारी प्रेजेंट एज हमने निकाली. अब फ्यूचर की कंडीशन बता रहे हैं, 5 years hence she will be 3 times as old as her daughter. तो अब 5 साल बाद she will be 3 times as old as her daughter. मतलब इसमें भी 5 साल ऐड हो जाएंगे क्योंकि फ्यूचर में ले रहे हैं अब हम. और उसके बाद 7x plus 5 and plus 5. तो अब इस कंडीशन में क्या बता रहे हैं कि अगर हम 5 साल बाद ले रहे हैं, 5 years hence she will be 3 times as old as her daughter. मतलब mother will be 3 times as old as her daughter. Mother 3 times होगी daughter की एज की. ये daughter की एज हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो mother की एज 3 times हो जाएगी daughter की एज. तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें, x plus 10 is equal to 7x plus 10. Now distributive property, or I am just opening the bracket, 7x plus 10. Now collection of like terms, 7x minus 3x and 30 minus 10. So it will be 4x is equal to 20 and x is equal to 5. तो 5 साल पहले x हमारा क्या था? Daughter की age थी. कब? 5 साल पहले, मतलब 5 years ago. तो और हमको निकालना क्या है? प्रेजेंट एज निकालना है. हमने x की वैल्यू 5 निकाली, x की वैल्यू 5 निकाली जो कि डॉटर की 5 साल पहले की एज थी. तो प्रेजेंट एज डॉटर की कितनी होगी? प्रेजेंट एज हमने क्या लिखा था? x प्लस 5. प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज इक्वल टू x प्लस 5, दैट इज 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10. एंड प्रेजेंट एज ऑफ मदर, तो प्रेजेंट एज वाले कॉलम में मदर की एज हमने कितनी ली थी? 7x प्लस 5. 7x प्लस 5, सब्सटीट्यूट द वैल्यू, 7 इंटू 5 प्लस 5, दैट इज 35 प्लस 5 इज इक्वल टू 40 ईयर्स. ठीक है, 10 ईयर्स प्रेजेंट एज. इसमें बस हमें ये समझना होता है कि जब जो भी कंडीशन दिए, आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लेके अगर चलते हैं, तो आपको सीधे सीधे क्लियर हो जाएगा कि 5 साल पहले की एज डॉटर की और मदर की. प्रेजेंट की क्या होगी? 5 साल पहले हम लोग ले रहे, तो प्रेजेंट मतलब क्या? 5 साल ऐड कर दिया हमने दोनों में. फ्यूचर 5 साल आगे, तो हमने फ्यूचर में 5 5 दोनों में ऐड कर दिया. अगर ये 6 साल होता तो हम यहाँ पे 6 6 ऐड करते, 7 साल होता तो 7 7 ऐड करते, और फिर लास्ट की कंडीशन लगाते कि 7 साल बाद मम्मी बेटी से कितनी बड़ी होंगी. तो ये कंडीशन आ गई. तो ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है, ये डॉटर की एज में होगा, ये मदर की एज में नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू हमको बड़ी शो करनी है, तो मल्टीप्लिकेशन इस तरफ की वैल्यू में होता है.